नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। मेनका गांधी जो गांधी परिवार के ही सदस्य हैं लेकिन विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग, बीजेपी से सुल्तानपुर सीट से सांसद हैं और पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए एक बार फिर इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। वरुण गांधी के बगावत के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वे कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली या फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन इन अटकलों को भी उन्होंने अब तक विराम दे रखा है। बहरहाल, एक निजी चैनल को वरुण गांधी की मां और सुल्तानपुर सीट से सांसद मेनका गांधी ने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर खूब निशाना साधा और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा को भी आड़े हाथों लिया। आपको बता दें, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के पॉलिटिकल डेब्यू पर भी बात कही। रॉबर्ट वाड्रा की चुनाव लड़ने की इच्छा पर मेनका गांधी ने कहा कि वे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं और ये देश दामादों से आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतरने के लिए अच्छा अनुभव भी चाहिए और रॉबर्ट वाड्रा को राजनीतिक अनुभव की जरूरत है। यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के लिए बड़े चेहरे साबित नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए रॉबर्ट वाड्रा कोई बहुत बड़े उम्मीदवार के चेहरे के रूप में नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर भी तंज कसा और एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मेनका गांधी ने राहुल गांधी पर कहा, राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तभी आगे बढ़ सकती है जब उनके पास कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा आइडिया हो। इसके बगैर पार्टी का आगे बढ़ना असंभव है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। इस पर मेनका गांधी ने कहा कि वे आए तो सही, रायबरेली से उनकी दादी उनकी माँ चुनाव लड़ चुकी हैं तो इस सीट पर परिवार का असर तो होगा ही। जाहिर है कि इस सीट पर परिवार का असर दिखेगा। यानी मेनका गांधी ने साफ तौर पर परिवारवाद पर तो सवाल उठाया ही, साथ ही राहुल गांधी के राजनीतिक दक्षता पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को भी खूब घेरा। यानी कि कुल मिलाकर के पूरे गांधी परिवार पर उन्होंने जमकर सवाल उठाए हैं और जमकर निशाना साधा है। बहरहाल, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप मेनका गांधी के गांधी परिवार पर उठाए गए इन सवालों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।